थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजेशन। ऐसे बैठे थे, ऐसे पांव उठा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएसएन। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। और हेलो फातिमा, क्या कर रहे हो आप? तो अभी देख सकते हैं हम ताज एक्सप्रेस में बैठ चुका हूँ और ट्रेन जा रहे हैं। और देखो सायरा का हालात देखो, सो गए हैं, मरियम भी सो गए और इधर हम इधर ऐसे कर रहे हैं, बहुत भूख लगा है, सुबह कुछ नहीं है, बहुत जल्दी करने वाले हैं और ताजमहल की हिस्टोरिकल बातें भी करेंगे, ताजमहल दिखा के। अरे जामी, ये मेरा भाभी है, वो मेरा भाई है, हम सब मिलके जा रहे हैं ताजमहल। अभी मथुरा पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आग लग गया था लेकिन सोया नहीं। और आप देख सकते हैं पूरा ट्रेन खाली हो गया है मथुरा में। फातिमा हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम ताजमहल जाएंगे, ताजमहल। हाँ मेरा सामने बैठे हैं, इधर शकीरा दीदी आ गए हैं, देखो शकीरा दीदी भी आ गए हैं। हेलो शकीरा दीदी। ताजमहल के लिए ट्रेन स्टार्ट हो गए हैं मथुरा से। तो गाइस अभी आके पहुंच चुके हैं आगरा कैंट, तो यहाँ से हम उतरेंगे आगरा कैंट। अब देख सकते हैं सारे पैसेंजर रेडी हैं उतरने के लिए। ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा है, ये आगरा कैंट। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या बोलते हैं, मिल गए हैं यहाँ पर फॉरेनर। अब देख सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजेशन। जीवन में फर्स्ट ये सफ़र है हमारा ताजमहल के लिए, आए हैं पूरा तीन हम साथी, अब दिखाएंगे ताजमहल की नज़ारा। हम सारे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं ताजमहल के लिए। और यहाँ से ताजमहल के लिए नीचे जाके पता चलेगा कैसे जाएंगे। इधर से मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि ताजमहल किधर है। पूरा रास्ता मरियम सो सो के आए हैं, देख सकते हैं आँख खुल गए हैं। हेलो ए मरियम, अब थक गए हो? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और ये रहा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे ताजमहल के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुबह कुछ खाया नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो अभी कोशिश करेंगे कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद कोशिश करें। ओहो, हमारे पास पैसे भी नहीं है। और ये रहा यहाँ पर ATM दिख रहा है, SBI का ATM है, तो यहाँ पर हम पर थोड़ा पैसे भी निकाल लेंगे। मैं जब सरायकालेखा ट्रेन स्टेशन में चढ़ा, मेरा भाई मोहम्मद सरवर आलम वो पहले ही न्यू दिल्ली से चढ़े हुए थे, तो हम चढ़े तो भाभी बैठे थे और बैठे भी थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे पांव उठा के एकदम बढ़िया से दुपट्टा से मुंह ढक के सो रहे हैं, मतलब बैठने वाला सीट में सो रहा है। मैं जब चढ़ के देखा हूँ, मैं सोचा ये कोई ब्रेस्टार नहीं तो कोई बड़ा जज या तो बहुत बड़ा अफसर का बहन होगा। मैं भाभी को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। जब आलम भाई ने बोला यही है तो विश्वास हुआ कि यही है, लेकिन सोने का जो स्टाइल था ना, बड़ा गजब था एकदम, बता नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, जिस जहाँ पर जैसे आराम मिलेगा बंदा वैसे ही सोएगा ना। नहीं, नहीं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आई लव आगरा, तो यहाँ पर फोटो खींचेंगे हम और सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, हम भी खींच लेंगे इधर। आप ये देख सकते हैं आगरा स्टेशन, आगरा कैंट स्टेशन, और यहाँ पर है आई लव आगरा, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर फोटो खींचेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए शाहरुख एक बार फोटो खींच दे।